नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासपुर, प्रेसिडेंट ऑफ बासपुर अनुसूचित जाति स्टूडेंट यूनियन। आज मैं आया था कोकराझार म्यूनसिपलिटी बोर्ड में और वहाँ के चेयरमैन से मैंने वहाँ के लोकल मुद्दों पे कुछ बात की। सबसे पहले वहाँ जो कोकराझार का जो स्वीपर कॉलोनी है लालघर में, वहाँ से मुझे कुछ शिकायतें मिली थी। और वो शिकायतें थी कि जैसे कि अब बाढ़ पानी का समय आ गया है तो इस समय वहाँ पानी बढ़ जाता है, क्योंकि नदी की पास होने की वजह से वहाँ पानी काफ़ी बढ़ जाता है, बाढ़ पानी की समस्या आ जाती है। उसके अलावा वहाँ जंगल भी हो गए थे और ड्रेन भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा उस एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए। तो ये सब मुद्दों को लेके आज मैं यहाँ के चेयरमैन से बात किया, उन्हें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक लेटर लिख के दिया कि लाल घर में जो म्यूनसिपलिटी बोर्ड की तरफ से जितना भी हमारा रास्ता है, नाला है, वो सब साफ़ होना चाहिए, उस पूरा एरिया को सैनिटाइज करना चाहिए क्योंकि कोविड बढ़ सकता है। उसके अलावा वहाँ साफ सफाई के कामों में तेज़ी आनी चाहिए। ये सब मुद्दों को लेके मैं वहाँ के चेयरमैन से बात किया और उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव लेके कहा कि वो तुरंत या मतलब बाढ़ पानी आने से पहले कुछ दिन के अंदर ये सब माहौल जो है वहाँ का वो ठीक कर देंगी। इसी बीच में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जोरहाट मोरियानी में भी ऐसे कुछ समस्या सामने देखने को मिला है। वहाँ से भी मुझे कुछ वीडियोस आए हैं कि वहाँ पानी बढ़ जाता है कॉलोनी में। तो दोस्तों, मैं लॉकडाउन में काफ़ी जगह जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने एरिया के जो म्यूनसिपलिटी बोर्ड है वहाँ के चेयरमैन के पास लेटर लिख के जाएं और कॉलोनी में पानी की जो समस्या है, ड्रेन का जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए आप लोग लेटर लिख के दें। क्योंकि अगर ये सब समस्या अभी ठीक ना हो तो अब बरसात का दिन आ गया है तो सब जो गंदगी है ड्रेन की, अगर वो घरों तक आ जाए तो और भी अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है। और चूँकि आप सबको पता कि हमारा सफाई कर्मी लोग की आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो उतना बड़ा ट्रीटमेंट कराने का खर्चा भी उनके पास नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, जितना हो सकता है लॉकडाउन के बीच में अपने आस पड़ोस के मोहल्लों को साफ सफाई करने के लिए चेयरमैन से बात करें, लेटर लिखें और साथ ही साथ में जितना हो सकता है सफाई रखें। और लॉकडाउन के बाद स्टूडेंट यूनियन ने कह चुका है कि 6 महीने के अंदर जो हम सैलरी म्यूनसिपैलिटी और हॉस्पिटल में 16,000 करवाएंगे यानी बढ़ाएंगे और पुराने लोगों को परमानेंट करवाएंगे तो वो अभियान भी चलेगा, लेकिन फिलहाल कॉलोनी को साफ रखना एकमात्र हमारा मकसद होना चाहिए क्योंकि कोविड में हम सबको बचना चाहिए।